हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं बहुत दिनों पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा बहुत छोटा अपडेट आता है वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, उस पर उतना वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। जब कोई नया चीज़ बताना रहता तभी मैं वीडियो बना करके आपको बताता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप पीएम में कौन सा चाहिए, यूनियन अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, आप आसानी से चेक कर लेते थे। ईपीएफओ लिख करके उसके होम पेज पर जाते थे, उसके बाद अपना यूएनए नंबर डाल करके आप अपना मोबाइल नंबर पता कर लेते थे। लेकिन अब बहुत टफ तरीका हो गया 2022 में, तो वो कैसे आप चेक कर सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो देरी नहीं करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐप्स होता है सबके मोबाइल में होता है। तो देखिए मेरा क्रोम ब्राउजर ही रहा, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो मैं पहले से कुछ यूज किया हूँ, आप भी अगर कुछ यूज किए रहिएगा तो ये वाला पेज आ जाता है। तो इसको आप न्यू टैप करने के लिए ऊपर 3 डॉट है, कभी कभी वहाँ पर रेड भी रहता है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख लीजिए नीचे में यहाँ पर न्यू टैब लिखा हुआ है, तो न्यू टैब वाले पर क्लिक कर देना है। तो नया पेज ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ सर्च बार जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसे जैसे ही क्लिक करिए ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है ईपीएफओ, इतना ही लिख करके आपको सर्च कर देना है। तो देखिए मैंने लिख दिया, ऊपर भी आ गया, तो ऊपर इस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in ये वेबसाइट आपको देख लेना है, और उसके नीचे जो भी रहेगा कभी कभी चेंज होता भी था। अभी एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कभी एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ही रहता है, कभी कभी ईपीएफओ रहता है, कभी कभी मेंबर होम रहता है, कभी यूएनए रहता है, कभी मतलब। तो आपको ऊपर वाला वेबसाइट सिर्फ देख लेना है, उसके बाद जो भी रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाला लिंक पर ही क्लिक करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, 7-8 ऑप्शन है। तक KYC अपडेशन मेंबर जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो इसको आपको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा, कंप्यूटर जैसा तरह दिखने में अच्छा लगेगा। तो ऊपर 3 डॉट है, कभी कभी वहाँ पर रेड भी रहता है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिए देखिए नीचे डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है, एक बॉक्स का निशान है, बॉक्स के निशान पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिए कि आपका डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आप जूम कर लीजिएगा, उसके बाद में देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर अपना यूएनए नंबर लिखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक किए, उसके बाद में देख लीजिए जो आपका यूएनए नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल करिएगा और नीचे पासवर्ड है, तो इसमें पासवर्ड आपको लिख देना है। पासवर्ड आपको नहीं बनाना आता है तो मैंने वो भी वीडियो चैनल पर है, तो वो भी देख करके आप पासवर्ड बना लीजिएगा। तो इसमें मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, आप भी अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद में ये वाला कैप्चा जो है, कैप्चा अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोबाइल में थोड़ा जूम करके ही ये इस कैप्चा को आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये सिंबल का निशान जो, उस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा कैप्चा चेंज होगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, उसके बाद में इसमें आपको अपना कैप्चा नीचे वाले जो बॉक्स है उसमें कैप्चा लिख देना है। तो मैं अपना सही से लिख देता हूँ, आप भी अपना लिख दीजिएगा। देखिए मैंने अपना कैप्चा लिख दिया, उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा साइड में आना, देखिए यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं देखिए क्लिक कर दिया, आप भी कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुला, तो इसको सेव करने के लिए कहता है, इसको आप हटा भी सकते हैं, सेव कर दीजिएगा। तो मैं सेव कर देता हूँ। तो वहाँ पर जो आपको यूएनए नंबर पासवर्ड जो डालने के लिए आ रहा था, वहाँ पर आप यूएनए नंबर वाला पर ही क्लिक करिएगा, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाएगा सेलेक्ट करने का, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में सेव हो जाता है। तो ये नामनी के नाम जोड़ने के लिए कुछ अलर्ट है, नामनी के नाम कैसे जोड़ा जाता है वो भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो वो भी देख करके आप नामनी का नाम भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, अभी इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, तो लेटर करके इसको हम हटा देते हैं। लेटर करके हटा दिए तो ऊपर में देख लीजिए बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस है, अकाउंट है, तो ऊपर सबसे ऊपर मैनेज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक किए, नीचे 4-5 ऑप्शन खुला है, तो
तो इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल दूसरे नंबर पर है, उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो देखिए इसमें ईमेल आईडी आपका जो जुड़ा हुआ, अगर जुड़े होंगे तो यहाँ दिखाएगा, नहीं तो रेट में नॉट वेरीफाई लिखा रहेगा या नॉट ईमेल आईडी लिखा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, इसको हम थोड़ा जूम करके भी दिखा देते हैं। मैं अपना वेरीफाई कर लिया हूँ इसलिए वेरीफाइड लिख रहा है। तो यहाँ पर आपका लास्ट का 4 डिजिट दिखा देगा, तो ऐसे ही आप अपना मोबाइल नंबर कौन सा UNA चाहे PF अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो पता कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना होगा तो नीचे चेंज मोबाइल नंबर लिखा हुआ इस बॉक्स पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में इसमें मोबाइल नंबर अपना री एंटर मोबाइल नंबर करके अपना सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करिएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। तो वो वाला भी वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, तो वो भी वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये मोबाइल नंबर सही है तो ठीक है, क्योंकि इसमें UNA में आपको वही मोबाइल नंबर की ज़रूरत है जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा, वही मोबाइल इसमें भी रहना चाहिए। तो कोई भी PF के लिए क्लेम या कुछ भी पासबुक या पैन कार्ड कुछ भी आप जोड़िएगा, वहाँ पर आपको रेड कलर में लिख देता है आपका मतलब PF में और आधार कार्ड में दूसरा मोबाइल वो बता देता है आपको। तो वो भी वाला वीडियो मैं कुछ दिन के बाद बनाऊंगा, तो वो भी वीडियो देख करके आप कैसे क्या करना है वो समझ जाएंगे आप। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है, तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।